जय हिंद फ्रेंड्स। सो लेट्स कंटिन्यू मौर्यन एम्पायर द चैप्टर सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यंस। द नेक्स्ट पॉइंट इज आर्ट एंड आर्किटेक्चर। स्टेट समृद्ध हो गया, पैसा आ गया, सेकंड अर्बनाइजेशन पीक पर है, तो आर्ट और आर्किटेक्चर वास्तुकला रिफ्लेक्ट कल्चर, फिलोसफी फिलोसफी ऑफ अशोका कहां से पता चली? उसके इंस्क्रिप्शन से कि वो धामा की बात करता है, रिस्पेक्ट की बात करता है। कल्चर किस तरीके का था? बुद्धिज्म, जैनिज्म, ब्राह्मणिज्म और इकोनॉमिक स्टेटस। और एनसीईआरटी में लिखा है कि मौर्यंस का रिमार्केबल कंट्रीब्यूशन था आर्ट आर्ट में और आर्किटेक्चर में। वन ऑफ द एग्जांपल ऑफ दिस रॉक कट आर्किटेक्चर, स्पेशली व्हाट बाराबा का केव, और दूसरा स्टोन पिलर। इंजीनियरिंग सर, इंजीनियरिंग ऑफ मौर्यंस स्टोन पिलर क्या? चुनार सैंड स्टोन का बना हुआ सिंगल शाफ्ट, सारनाथ पिलर पता ही होगा आपको, और शाफ्ट क्या बाओ? कैपिटल सिंबल, इट कुड बी अ लॉयन और बुल, एनिमल फिगर ओनली अबाउट द शाफ्ट। और क्या था? पॉलिशिंग, पॉलिश एंड शाइन, पॉलिश एंड शाइन। स्तूपा के बारे में भी कुछ है लेकिन हम नेक्स्ट चैप्टर में इसको डिस्कस करेंगे। और अमरावती और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, मथुरा स्कूल ऑफ आर्ट नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे इसको। स्टोन पिलर इज अ इंजीनियरिंग ऑफ, उनको पता था स्टोन को किस तरीके से यूज करना, स्टोन मशीनरी के बारे में पता था मौर्यंस को। नेक्स्ट आर्ट से रिलेटेड कुछ भी स्किप नहीं होगा सर इस सीरीज में, अगर आप कंटिन्यू देखेंगे तो आपको जरूर मिलेगा सर। आर्ट और आर्किटेक्चर विल बी कवर। स्टेट सिस्टम, नेक्स्ट पॉइंट इज स्टेट सिस्टम। स्टेट सिस्टम एंड सॉरी स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर एंड स्टेट सिस्टम। अब ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है सर, एक तो पहली बात, और इसमें जो एनसीईआरटी में लिखा है बहुत समराइज करके हम ये बोलेंगे कि लिखा हुआ है, और उसमें से आपको चीजों को निकालना होगा। अगर आपको नहीं मिलता तो आप नेट पे सर्च कर लें, बेटर पिक्चर आपको मिलेगी। लेकिन अगर यहां से भी नहीं मिलती तब यहां से मिल जाता है तो मोर देन इनफ। सो आयरन कब मिला? लेटर वैदिक में, लीज टू एग्रीकल्चर सरप्लस, लीज टू सेकेंड अर्बेनाइजेशन, सेकेंड अर्बेनाइजेशन एंड ऑल ऑफ दिस
कंबाइन होकर क्या बनाया, मगध एम्पायर, और बाद में मौर्यन, मगध टू मौर्यन, ऑल्सियो कॉन्क्वेस्ट करा इन्होंने, कैप्चर करा, इंपीरियलिज्म पूरा, मतलब इंपीरियलिज्म मतलब पूरा कंट्रोल, पूरा कंट्रोल। कैसे, लेट्स कंपेयर फ्रॉम वे कैपिटल सिस्टम, 15th सेंचुरी यूरोप और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 19th सेंचुरी, सॉरी 18th सेंचुरी यूरोप, दोनों ने मिलकर इंपेरियलिज्म दुनिया पर कंट्रोल करा, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, यूरोप, मॉडर्न कल्चर, मॉडर्न कल्चर की तो क्या दिया, मॉडर्न एजुकेशन। देखो जो स्कूल्स, मॉडर्न स्कूल्स किसने ओपन करे, ब्रिटिश ने, इंडिया में। रीजन कुछ भी रहा हो लेकिन ओपन तो उन्होंने करे, रीजन उनका एक ही था लेकिन उन्होंने ओपन करा। और पार्लियामेंट्री सिस्टम, और एलपीजी जो बाद में 1991 में आया, और मॉडर्न इकोनॉमिक सिस्टम, ट्रांसपोर्ट, करेंसी सिस्टम, यू कैन ऐड मोर, हेल्थ सिस्टम पहले भी था लेकिन बिल्डिंग्स और मॉडर्न सिस्टम में, हम मॉडर्न की बात कर रहे हैं, पहले आयुर्वेदा, लोग योगा करते थे, तो इसमें योगा नहीं करते इसलिए टेबलेट्स और इंजेक्शन चाहिए। अगर आप योगा करोगे तो जड़ी बूटियों से ही काम चल जाएगा, जिसको घास फूस बोल देते हैं आज के डेट में मॉडर्न लोग। तो जैसे ही कॉन्क्वेस्ट हुआ तो क्या हुआ, सोकपिट, मॉडर्न कल्चर फैल रहा है ना सर, तो मॉडर्न कल्चर फैल रहा है। सोकपिट कहां था, इंडस वैली में, कंटिन्यू होता रहा था लेकिन मौर्यंस ने उसको बढ़ाना शुरू कर दिया। और ब्रंट बिक्स, सेकेंड अर्बेनाइजेशन के प्रमोशन की वजह से ब्रंट बिक्स निकली, नेसेसिटी थी, जरूरत थी इसलिए, वरना पहले लकड़ी के और उसके बनाते थे और वो डैमेज हो जाते थे। नेक्स्ट, और आर्ट एंड आर्किटेक्चर। नेक्स्ट, स्क्रिप्ट, कॉइन, टाउन, सोलह महाजनपद। और एरियन से, एरियन ने क्या बोला, कितनी सिटीज थी मोरियंस के टाइम पे काउंट नहीं कर सकते। और अब ये सब कॉन्टैक्ट ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, अब इसकी वजह से क्या हुआ, कलिंगा, जब बुद्धिज्म और जैनिज्म के मॉन्क्स इन सब चीजों को समाज में यूज करना बता रहे थे, डिस्कस करा ना पिछले लेक्चर में, सोशल ऑर्डर को मेंटेन रखना, लोगों को समझाना, मॉन्क्स का यही काम था। तो जब ये लोग मॉन्क्स इसके बारे में लोगों को बता रहे थे तो कलिंगा, कलिंगा में आयरन पहुंचा, और आयरन पहुंचने की वजह से चेतीन साम्राज्य शुरू हुआ। देखो, बिगनिंग ऑफ साम्राज्य। नेक्स्ट, डेक्कन, 57वीं डायनेस्टी, डेक्कन में ऊपर लिखता हूं सर,
कलिंगा, चेती, डेक्कन, सतावना, चेराज, चोला, पांड्या, नई डायनेस्टियों का और नए साम्राज्य का उदय। और लास्ट थ्री को क्या बोला गया? सत्यपुत्रा। जो लास्ट थ्री थे उनको बोला गया सत्यपुत्रा। कंपैरिजन, और आज आज प्रेजेंट प्रेजेंट में क्या सर? डिजिटल एजुकेशन, बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन, एचवेक बसेस। प्रेजेंट की बात करें, कंपैरिजन पूरा करेंगे सर, बीच में नहीं छोड़ते। डिजिटल एजुकेशन, ट्रांसपोर्ट, मेट्रो और बुलेट ट्रेन और एचवीएसी बसेस। पार्लियामेंट्री कैन बी से हाईटेक। करेंसी सिस्टम, कॉइन्स टू कैश, कॉइन टू कैश, कॉइन्स टू कैश और कैश टू कार्ड। प्लास्टिक, एलपीजी इज कंटिन्यूइंग। हेल्थ सिस्टम, हेल्थ सिस्टम कंटिन्यू बट विद मॉडर्न टेक्निक्स, चेंज इन मॉडर्न टेक्निक्स। मॉड इकोनॉमी बताइए आपको। सो नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट, न्यू सेटलमेंट या बोले ट्रांसफर ऑफ मटेरियल लाइफ। कैसे? कॉन्क्वेस्ट, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस हो चुके हैं पॉइंट, एडमिनिस्ट्रेशन डिस्कस कर चुके हैं। मॉन्क्स ने कॉन्टैक्ट करा, कॉन्टैक्ट ऑफ मॉन्क्स अभी डिस्कस कराइए। सपोर्ट बाय लोकल कल्चर, बिना उनकी सपोर्ट से आप कैसे कर लोगे? कर लोगे? कलिंगा लोग आयरन के बारे में जानते थे, जो लोकल कल्चर था, लेकिन उसका यूज किस तरीके से होगा ये नहीं जानते थे। तो ये किसने बताया? मोरियंस ने। मोरियंस ने ट्रांसफर भी करा और नई सेटलमेंट भी बनी उसकी वजह से। अभी चेरा चोला पांड्या बात करी। और सॉरी, नेक्स्ट अर्थशास्त्र, अर्थशास्त्र कौटिल्य ने कहा कि अगर आप, कौटिल्य ने कहा कि अगर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तभी आपको कुछ मिलेगा। तो इन्वेस्टमेंट आपको कैसे करनी चाहिए ये भी कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में बताया। कहां पर? अब इस चीज को आप आज से कंपेयर करना और कोशिश करना कि जो प्रेजेंट में गवर्नमेंट के योजनाएं चलती हैं और जो गवर्नमेंट बोलती है कि हम कहां पे इन्वेस्टमेंट करने वाले हैं और कहां करने की जरूरत है, उससे कनेक्ट करना। ग्राम निवेश, नाम से ही क्लियर है, विलेज और जनपद निवेश। जनपद से आप समझ ही गए होंगे, टाउन कोई कस्बा या फिर कोई सिटी शहर, विलेज। अब इसकी वजह से क्या होगा? सेटलमेंट, जैसे ही आपने कहीं भी इन्वेस्टमेंट करा, आप देखोगे कि कोई नया रोड बनता है, यह रोड 4 लेन बन जाता है, 2 से 4 और 4 से 6, तो वहां इन्वेस्टमेंट शुरू हो जाती है। तो उसके से क्या होता है? नई सेटलमेंट बनती है। सेटलमेंट
शुरू हो जाती है। और क्या बोला इसमें कि शूद्रों को विद ऑल फैसिलिटीज, जो भी जरूरत है वो दो। बुद्ध ने क्या बोला था? बुद्ध पिछला लेक्चर जरूर देखें सर, बुद्धिज्म की पूरा लेक्चर्स देखें, आई पर्सनली रिक्वेस्ट यू। विलेज, अगेन सेटलमेंट होगी, पैसा लगेगा तो सेटलमेंट यहां भी होगी। और वैश्यास, फ्रूट मार्केट, कपड़ा मार्केट, बजाजा बाजार, और आज के डेट में बात करें तो एसेसरीज मार्केट, एग्रीकल्चर मार्केट, सो वेस्टर्स विद ऑल फैसिलिटीज, इन्वेस्ट टू टेक रिटर्न, कंपेयर विद प्रेजेंट, एंड व्हाट अशोका अडॉप्ट धामा पॉलिसी फॉर व्हाट? यूनिफिकेशन, इन्वेस्ट इन यूनिफिकेशन फॉर टेक रिटर्न्स, रिटर्न्स व्हाट? स्ट्रेंथ, स्ट्रॉन्ग नेशन, अखंड भारत। लेकिन अब आप इस तरीके से नहीं सोच पाते, क्यों? क्योंकि आप लोग अशांत हो, मन शांत नहीं है, ग्रुप भी आपका ऐसा ही होगा, आप उस ग्रुप में बात ही नहीं करते, लोग ऐसे होंगे जो आपको निराश कर देते होंगे। उस दोस्त को, उसको फ्रेंड बनाओ, उस बंदे को जो कि आपको ये ना बताए कि मेरे को ये समझ में नहीं आया, जो आपको ये बताए कि इस टॉपिक पर हम कल बात करेंगे। अब वो दोनों बातों में फर्क है सर, अगर वो आपको ये बोलेगा कि मेरे को ये समझ में नहीं आया तो आप घर जाओगे और उसी काम पे लग जाओगे। किस वो, और आपके दिमाग में क्या चल रहा होगा? यार ये बहुत इंपॉर्टेंट होगा, उसको समझ में नहीं आया, बहुत हार्ड होगा, ये चलेगा आपके दिमाग में। अगर वो आपको ये बोलता है, अपनी कमजोरी ना बता के आपको बोलता है कि ये इस टॉपिक पर हम कल बैठकर डिस्कशन करेंगे, उसको दोस्त बनाओ। शांत लोगों को दोस्त बनाओ। आपका ग्रुप ऐसा है उसमें पहले ही 5-6 लोग अशांत है, सातवें आप हो गए तो क्या होगा? कुछ भी नहीं, वो आज भी वो ग्रुप वहीं था, कल भी वहीं है। अगर आपने शायद उसकी मुर्गे की कहानी नहीं सुनी होगी, मेरे को याद आ गई इस बात से। तो मुर्गे के पहले पास्ट में क्या होता था कि मुर्गों को ट्रेन करा जाता था, वो दो मुर्गे आपस में लड़ते थे, उन पर सट्टा लगता था, मनोरंजन का काम था, माध्यम था। तो एक बंदे ने अपना मुर्गा दिया कि इसको ट्रेन करो, उसको खूब खिलाया पिलाया, अच्छी डाइट दी। तो वो कुछ दिन बाद देखने गया तो उस मुर्गे के सामने दूसरा मुर्गा रखा, तो वो देखते ही भड़क गया। तो उसने बोला नहीं, अब ये ट्रेन नहीं है, और ट्रेन करो। तो फिर वो आया कुछ दिन बाद, तब उसने देखा, तब दोबारा मुर्गा रखा उसके सामने, तो वो थोड़ी देर शांत रहा लेकिन फिर भड़क गया, तो नहीं अभी भी ट्रेंड नहीं है। तीसरी बार फिर आया, देखा उसने कि मुर्गा रखा, तो वो बिल्कुल शांत खड़ा रहा है, फोकस देखता रहा। उसने बोला अब ये तैयार है, अब ये जीत कर आएगा। क्यों? क्योंकि ये फोकस्ड है, उसका अशांत नहीं है, वो मारने के लिए भाग नहीं रहा, देख रहा है सामने वाले को कि क्या हो रहा है, ऑब्जर्व कर रहा है, फोकस स्ट्रोंग है उसका। तो अपने फोकस को सर स्ट्रोंग बनाओ, दिमाग को शांत रखो, ईगो को छोड़ दो। अगर आपके अंदर ईगो आ गई तो आपका दिमाग अशांत हो जाएगा, और जब अशांत हो गया तो आपका फोकस बिखर जाएगा। जय हिंद।